हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि कुछ दिन से 5G की टेस्टिंग चल रही है और 5G टेस्टिंग जहाँ तक जून में 2022 तक रिलीज़ हो जाएगी 5G की सिम कार्ड। तो इसमें 5G सिम लॉन्च होगा लेकिन इसका प्राइस रेट सस्ता रहेगा, तो इसमें घाटा आप कहोगे। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी इंडिया में 1GB का रेट 7 रुपये के आसपास है, क्योंकि जब 200 रुपये करवाते हैं तो आपको 28GB मिलता है। 200 रुपये के ऊपर ही वो इस समय प्लान बढ़ गए हैं, तो अब जब ही 200 के ऊपर करवाएंगे तो आपको मिलता है 1GB पर डे 28 दिन के लिए, और भी महंगा कराएंगे तो 1.5GB 2GB मिलता है। मतलब 7 रुपये के आसपास 1GB पड़ रहा है, लेकिन जब 5G लॉन्च होगा तो ये 7 रुपये नहीं और सस्ता हो जाएगा। 1GB का रेट कम से कम 5 रुपये हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें घाटा आपका ही होगा, क्योंकि जब 5G लॉन्च होगा तो आपका कंजप्शन बढ़ जाएगा। आप जो 1GB आज एक दिन में यूज़ कर रहे हैं, तो कल जब 5G रिलीज होगा तो आप 5GB दिन में ऐसे ख़त्म हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जितना ही तगड़ा नेटवर्क रहेगा उतना तगड़ा आपका डाटा ख़त्म होगा। क्योंकि जब जैसे पहले 3G यूज़ करते थे, 3G में 1GB दिन भर चल जाता था, लेकिन जैसे ही 4G हो गया तो 4G एक दिन में 2GB ख़त्म हो जा रहा है, किसी का 2.5GB 3GB यूज़ कर जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है। इसी तरीके से जब 5G हो जाएगा तो एक दिन के 5GB तक मिनिमम यूज़ कर लेंगे आप, और मैक्सिमम तो आप 20GB एक दिन में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से 5G में डेटा रेट तो सस्ता रहेगा लेकिन आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से 5G आपको महंगा पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।